बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। काइंडली ओपन पेज नंबर 88। व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज वुड, कोल एंड ऑयल शेल आर ब्रोकन डाउन बाय हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। This causes them to break down into solid liquids and gases, which are then used to make products such as coke, charcoal, oils and ammonia. This process is called destructive distillation of coal. So, the process of heating coal in the absence of air is called destructive distillation of coal. आप कोल को हीट करें in the absence of air, उसको हीटिंग करें कि वो बर्न ना हो बल्कि वो कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना दे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर कोक, कोल टार, अमोनियासल लिक्वर एंड कोल गैस। ये फोर बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस इमेज में आप देखें तो आपको एक बर्नर नज़र आ रहा है, उसके आगे एक बॉयलिंग ट्यूब है। उस बॉयलिंग ट्यूब में हमारे पास एक पाउडर्ड कोल है। अगर आप उस ट्यूब को देखें तो उसे कॉर्क से बंद किया हुआ है, एयर टाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीटिंग हो रही है। बर्नर से हीट जा रही है, पाउडर्ड कोल जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है। आगे से ट्यूब पास हुई भी है एक और टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमारे पास गैस जो उसमें से निकल रही है वो आगे जा रही है, वहाँ पर जाके वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसमें अगर आप देखें अमोनिया बन रहा है, जो नीचे अमोनिया एक गैशियस फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होकर बनाएगा, गैशियस फॉर्म में होगा। जो नीचे उससे जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो हमारे पास कोल टार होगा। और कोल गैस जो इसमें से जितनी गैस होगी वो एवोपरेट हो जाएगी, वो हमारे पास कोल गैस है, जिसे हम टाउन गैस भी कहते हैं। अब जब कोल में से कोल गैस, कोल टार और अमोनियासल लिक्विड निकल जाता है तो जो पीछे कोल बचता है वो हमारे पास कोक होता है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। कोल से हमारे पास, अभी हमने जो बात की है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो कोक होता है वो हमारे पास सॉलिड होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स। जो लिक्विड हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कोल टार, इट इज़ यूज्ड टू मेक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स एट्सेट्रा। एंड द गैशियस बाय प्रोडक्ट इज़ कोल गैस, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। So the first by-product is coke. Basically, coke is a fuel which is used in homes and factories. The amount of carbon content in coke is so high that it is said to be an almost pure form of carbon. सबसे ज़्यादा जो carbon content होता है वो हमारे पास coke में होता है। It is greyish black in color. आपको picture में देख रहे हैं आप, greyish black इसका color होता है। It is hard and porous solid. Porous solid means ऐसा सॉलिड जिसमें पोर्स होते हैं। इसका जो मेन यूज़ है वो हमारे पास ये है कि इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। जो मेटलर्जी का प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो कोक होता है। ठीक है, द सेकेंड बाय प्रोडक्ट, द लिक्विड बाय प्रोडक्ट इज कोल टार। It is a thick dark liquid, a mixture of organic compounds. या पिक्चर में आपको इमेज नीचे आपको नज़र आ रहा है, ज़्यादातर रोड्स पे जो यूज़ किया जाता है टार, कोल टार। It is a mixture of organic compounds. जो कोल टार होता है ये हमारे पास organic compounds का mixture होता है। And these mixture can be separated by fractional distillation. On fractional distillation, coal tar gives important organic compounds like benzene, toluene, xylene, phenol, cresol, naphthalene, anthracene, etc. इसके हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हाइड्रोकार्बन्स का है, उसमें हम बेंजीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये xylene, phenol, cresol, ये सारे हमारे पास बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। अब कोल टार जो है इट हैज़ बोथ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हैं इसकी? It is used for making soap, fats, dyes, plastics, perfumes, drugs,
पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। और इसके अलावा इसका मेडिकल यूज़ क्या है, इट इज़ यूज ऑन द स्किन टू ट्रीट द इचिंग, स्कैलिंग एक्सेट्रा। हाउ इट वर्क्स, इट वर्क्स बाय कॉजिंग द स्किन टू शेड डेड सेल्स फ्रॉम इट्स टॉप लेयर एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स। ठीक है, द थर्ड बाय प्रोडक्ट इज अमोनियासिल लिक्वर। It is an ammonia, concentrated solution of ammonia. It is called अमोनियासिल लिक्वर। जो हमारे पास अमोनिया जब बहुत कंसनट्रेटेड अमाउंट में होता है तो उसे हम कहते हैं अमोनियासिल लिक्वर। इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यूज इन वाटर वैश ट्रीटमेंट, यूज इन इंडस्ट्रीज एज अ स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर एंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के, अगर आपके पास पानी गंदा है उसको साफ़ करने के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं जिससे वो फिल्टर होके आता है, उसमें हम अमोनिया को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपरफॉस्फेट एट्सेट्रा, दीज आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपको पता है क्या होते हैं, तो इसमें हमारे पास अमोनिया यूज़ किया जाता है। The next, the last byproduct is coal gas. It is also called as town gas. Coal gas is a mixture of gases like carbon monoxide and hydrogen. How coal gas is formed? On destructive distillation, coal is converted into coal gas, and this conversion is called coal gasification. This process is called coal gasification. The conversion of coal into coal gas is called coal gasification, and their formula is CO plus H2. Carbon monoxide plus hydrogen is called coal gas. Yep. It is an excellent fuel. It is used for lighting and heating. So we discussed the destructive distillation of coal. What is destructive distillation of coal? That is, heating of coal in the absence of air is called destructive distillation of coal. The four byproducts are obtained, that is coke, coal tar, ammoniacal liquor and coal gas. Coke is used as a fuel in homes and factories, but its main use is in industries. It is used as a reducing agent for the extraction of metals from their ores. Coal tar is a mixture of organic compounds. It has both medical and industrial uses. Ammoniacal liquor, it is an concentrated solution of ammonia. It is used to make fertilizers. Coal gas, town gas, it is an important gas. It is further used for conversion of coal to petroleum. Hope so aapko yahan tak samajh aayi hogi. Theek hai, thank you so much.